this is shani dinani welcoming you to magnet brains and as you all know that we were discussing the chapter this is jody's fawn we already know the summary or the line by line explanation of this chapter but now we need to go through all the ncrt questions that have been asked in this particular book so this chapter is quite a lengthy one so there are a number of questions that we are going to solve

एंड दिस इज समथिंग सिर्फ इतना ही बताना है बिकॉज ये नहीं पूछा है कि उनको ठीक कैसे किया गया क्लियर सो जॉर्डीज फादर वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक चाहो तो लिख सकते हो जॉर्डीज फादर वॉज बिटन बाय अमस और अ पॉइजनस स्नेक दैट इज रेटल स्नेक क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ पेनी कौन है जॉर्डीज फादर डो क्या है भाई अडल्ट फीमेल डियर तो हमें भी पता है कि यहाँ पे स्टोरी में यही बताया गया है कि जॉर्डी के फादर को किसी स्नेक ने बाइट कर लिया था बिकॉज ऑफ दैट उनका पॉइजन जल्दी यू नो बॉडी में फैलना जाए रैटल स्नेक का तो फटाफट से एक अडल्ट फीमेल डियर यानी डो को किल करके उनके हार्ट और लिवर का यूज़ किया गया था टू ड्रॉ आउट द पॉइजन फ्रॉम पेनीज या पेनीज बॉडी और जॉर्डीज फादर्स बॉडी so this is something which happened or this is how this doe or adult female deer was able to save life of

सकता है सामने वाला सेम थिंग तो उन्होंने उस डो को किल किया ताकि अपनी जान बचा सके दिस इज हाउ इनडायरेक्टली डो वॉज हेल्पफुल और डो वॉज द रीजन जिसकी वजह से पेनी या फिर जॉडीज़ फादर वॉज सेफ क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज वाई जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंक द फोन होप

में जॉडी के दिमाग में नॉट एज गिल्ट भी हो सकते मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा था ही वॉज फीलिंग पिटी अबाउट द एंड दैट्स उसने डिसीजन लिया कि उसको फोन को घर ले आना चाहिए फिर गिल्टी कौन फील कर कर रहा था गिल्टी फील रहे थे जॉडी के फादर जिसका एक तरीके का आंसर हमें कोई क्वेश्चन में देखे ये भी सो डो टू सेव लाइफ ऑफ देखेज फादर वेन ही बिटन अ रैटल स्नेक ठीक है सबसे पहली चीज तो डो के बारे में बताना पड़ेगा ना कि क्योंकि एक रैटल स्नेक ने काट लिया था जॉडी के फादर को इसीलिए उनको ठीक करने के लिए एक डो को किल किया गया विदाउट द मदर डियर द फोन वॉज लाइकली टू स्टार्फ टू डेथ इन द फॉरेस्ट ऑब्वियसली अगर मदर डीयर नहीं होगी तो इसकी वजह से जो फोन है इट इज गोइंग टू डाय और इट इज गोइंग टू डाय ड्यू टू स्टार्वेशन और हंगर

तो मिल मिल पूछते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो ही है तो इस पे जॉर्डी बोलते हैं कि उनके फादर ने उनको बताया था कि कोई भी अगर मेल डियर होता है तो उस उसपे जो स्पॉट्स होते हैं बॉडी में वो लाइन में, में होते हैं सीक्वेंशियल वे में होते हैं बट जो फीमेल होती है उनमें कहीं पे भी नैनी डायरेक्शन वो स्पॉट्स होते हैं तो क्योंकि इसने फोन को देखा था कि उस उसपे जो स्पॉट्स थे वो एक लाइन में थे दैट्स वो एक मेल डियर था सो so, जॉर्डीज फादर पेनी हैड टोल्ड हिम दैट अ मेल फोन हैज स्पॉट्स इन अ लाइन द स्पॉट्स ऑन द फोन बॉडी मेड जॉर्डी नो दैट इट वॉज अल राइट नेक्स्ट इज जॉडी डिड नॉट वॉन्ट मिलवील विथ हिम फॉर टू रीजन वट दे तो जब जम्मू मिलवील के साथ शॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट पहुंच चुके होते हैं जंगल और पता होता है जॉडी को कि अब यहां से आगे जाके उनको फोन शायद मिल जाए तो वो चाहते थे कि मैं मिलवील को अपने साथ आगे नहीं लेके जाऊं ऐसा क्यों बिकॉज ऑफ टू रीजन नंबर वन कि अगर वो लेकर जाएंगे मिलवील को अपने साथ तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो उसको देख लेंगे फोन को कि वो फोन जो है वो जिंदा नहीं है सॉर्ट sort ऑफ of. तो जो डिसअपॉइंटमेंट दिखेगी जॉडी के फेस पे वो नहीं चाहता था कि वो मिलवील विटनेस करें सेकेंडली अगर फॉर्चुनेटली वो फोन से मिल लेता है तो उस वक्त वो कितना खुश होगा वो जो एक मीटिंग होगी दैट वुड बी वेरी सीक्रेट वेरी लविंग मीटिंग विद द फोन और वो नहीं चाहता था कि ये मीटिंग भी कोई विटनेस करे और आगे जाके किसी को बताए तो ये वो दो रीजंस थे जिसकी वजह से वो मिल को आगे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते थे जॉर्डी डिड नॉट वॉन्ट मिल टू जॉइन हिम इन सर्च फॉर द फोन फॉर टू रीजन्स दैट फर्स्टली ही वॉज नॉट श्योर वेदर द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही डिड नॉट वॉन्ट मिल टू सी हिज डिसअमेंट नंबर वन अगर वो शायद नहीं रहा वहां पे नहीं मिला या फिर उसकी डेथ हो गई हो तो वो डिसअपॉइंटमेंट ना देख ले किसके चेहरे पे जॉडी के चेहरे पे सेकेंडली इफ द फोन वॉज वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट दैट ही कुड नॉट इंडियो टू शेयर इट विद एनी वन एंड सेकेंड यही रीजन था डायरेक्ट फ्रॉम द चैप्टर कि अगर वो मीटिंग अगर हो जाती है वो फोन जो है वो जिंदा है तो वो इतनी ब्यूटीफुल लवली होगी मीटिंग इट वुड बी सो सीक्रेट कि वो नहीं चाहेगा कि कोई भी उस चीज को शेयर करे उस मीटिंग को किसी और के साथ वो शेयर करना नहीं चाहता था जॉडी एंड ही देफो वॉन्टेड बिकॉज These two reasons that Millville should not come ahead with him. Done? Alright. Next is why was Millville afraid to leave? जॉडी अलोन तो मिलविल जो है वो जॉडी को अकेला छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे ऑब्वियसली दो की वजह से नंबर कि जॉडी जो है वो अपना रास्ता ना भूल जाए नंबर टू अगर उसको भी स्नेक ने कट कर लिया या बाइट कर लिया तो वे जिस तरीके से उसके फादर को किया था सो so, मिल वील वॉज अ टू लीव जॉडी अलोन एज ई यंग बॉय माइट गेट लॉस्ट इन द दर्ड और माइट इवन गेट बिटन बाय बाई स्नेक लाइक पेनी कट नहीं अगर उसको बाइट कर ले स्नेक तो एक रीजन वो हो सकता है दूसरी चीज हो सकता है वो अपना रास्ता भूल जाए टू रीजन जिसकी वजह से मिलविल नहीं चाहते थे जॉडी को ऑल अलोन वहां पर छोड़ना डन ऑल राइट नेक्स्ट इज हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फोन बैक हो तो सारी जो भी डिस्क्रिप्शन दिए आपके चैप्टर में वन बाय वन आपको सब कुछ यहाँ मैंशन करना पड़ेगा कि जैसे ही उसको फोन मिला उसको वो पैट करने लगा देन धीरे धीरे उसको हाथ में उठाया उसको प्रिकली वाइन से बचाते जो नुकीले वाइन जो बिल्कुल ऐसे क्रीपर टाइप के होते हैं प्लांट्स उससे उसको सेव किया देन उसको धीरे से अपने आर्म्स में उठाकर वॉक किया क्योंकि वो थक गया थोड़ी देर बाद उसको नीचे बिठाया और आगे वॉक करने लगा तो उसको फॉलो करने लगा फोन देन स्लोली एंड सडनी यही चीज़ या यही पेस फॉलो करते हुए वो घर पहुँच गए एंड दिस इज हाउ वो घर पर लेकर आते हैं किसको फोन को

फोन डाउन एंड टू क्रेस फिर धीरे धीरे जब उसको लेके जाने लगे तो थक भी गया उसके हैंड्स में भी एक होने लगा यानी पेन होने लगा तो फिर उसने डिसीजन लिया कि उसको थोड़ी देर में नीचे बिठा देता हूं

हो और फिर उसको अपने हाँ गोद में उठाकर वो पेनी के बेडरूम तक लेके जाते हैं सो दिस इज हाउ वो उसको अपने घर ले आते हैं डन ऑल राइट

then when body real, when jody realized that the fawn looked up to him he was light headed with his joy and wanted to fondle run and romp with it phir jab usko realize hua ki fawn jo hai wo usko dekh raha hai to us waqt usko aisa lag raha tha ki wo light headed yani usko unable he was unable to think clearly and he was then thinking कि वो क्या करना चाहेगा उसके साथ उसको प्यार से खिलाना चाहेगा उसके साथ खेलना चाहेगा and रैम्प and romp with it फाइनली मैन ही ब्रॉड द लिटल डियर टू हिस्स होम इट सीम टू पेट आइज वर एज ब्राइट एज द फोन जब वो बेडरूम में ले जाते हैं अपने फादर के उस फोन को तो पेनी जैसे ही देखते तो उनको सेम दिखता है कि जितनी ब्राइटनेस या जितनी ज्यादा आंखों में चमक फोन की थी उतनी ही ब्राइट आइज जॉडी की हो रही थी यानी बोथ वेरी हैप्पी सो दीज आर थ्री फ्रेजेज ऑफ सेंटेंसिस बी कुड से जो कि प्रूव करते हैं दैट दे वो मेनी इमोशन रनिंग इन माइंड ऑफ जॉडी इसके अलावा भी बहुत सी लाइन है जो आप प्रूव कर सकते हो यू कैन जस्ट फाइंड आउट इन द चैप्टर डायरेक्टलीट नेक्स्ट इज हाउ डिड द डी ऑफ ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गोड अब जैसे ही ये घर पहुंचते हैं तो पहले तो वो बेडरूम में अपने पापा से मिलवाने जाते हैं फोन को एंड आफ्टर दैट वो किचन में जाता है जॉडी जैसे वो किचन में जाता है वो देखता है मॉर्निंग का बिल्कुल फ्रेश मिल्क रखा हुआ है जो भी क्रीम व्रीम होती है उसको स्किम करके निकाल के जग में रख देता है एंड देन मिल्क को वो एक गोड यानी कंटेनर में पोर करता है आफ्टर ही पोर द मिल्क इन द कंटेनर वो सामने रख देता है किसके फोन के और फोन क्या करता है उसको स्मेल करता है अपने हेड को बट करता है यानी बहुत ज्यादा शेक करता है पर वो दूध नहीं पी पाता उस गोद में से खुद ब खुद तो यहां पे जॉडी जो है जस्ट लाइक अ मदर वुड डू वो क्या करते हैं अपने फिंगर्स को डिप करते हैं मिल्क में और उसके एकदम से फेस मुंह में फिंगर्स डाल देते हैं ताकि वो मिल्क सक कर पाए और बहुत ग्रीडिली क्योंकि बहुत भूख लगी होती है फोन को बहुत ग्रीडिली सक करने लगता है

वेट माउप फिर उसने क्या किया उसने धीरे से अपनी फिंगर्स को डिप किया इन द मिल एंड देन उसके बाद फाइनली उसने उसके Uh, जो फोन है उसके माउथ में डाले फिंगर्स ताकि वो उससे सक कर पाए मिल्क को वेन हीज हीस ही वॉज गेटिंग सो इरिटेटिव रोने लग रहा था कि नहीं, मुझे और दूध पीना बिकॉज मुझे भूख लग रही है एंड दिस इज हाउ ही अपने हेड से वो मारने लगा हीस अगैन एंड एज द फोन लोवर देम स्लोली इन टू द मिल्क फाइनली दैक ऑफ ऑल द मिल्क फ्रॉम द गोड़ और फिर जैसे ही वो उसको वापस से दूध पिलाने लगते हैं तो धीरे धीरे वो उसको गोड को गोड़ की तरफ कंटेनर की तरफ फोन को ले आते हैं दिस इज हाउ वो पूरा फिर मिल कंज्यूम कर लेता है डन ऑल राइट

सॉरी पता था कि क्लाइम कैसे करते हैं स्टेयर्स को हेंस व्हेन इट रीच्ड एट जॉडीज होम इट फेल टू फॉलो हिम द अप स्टेयरकेस एंड ही डि नॉट वॉन्ट डि नॉट नो हाउ टू रेस इट्स फीट टू क्लाइम द स्टेप्स एंड दिस इज वाज़ नॉट अवेयर कि भाई कैसे क्लाइम करना है स्टेप्स को सो ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइम दोज स्टेरकेस डन ऑल राइट नेक्स्ट इज डिड पेनी बैक यानी कि फादर ऑफ जॉडी अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट तो जब जॉडी जाके अपना यू नो एक्सप्लेनेशन देते हैं या फिर बात करते हैं अपने फादर से कि अगर आपको याद हो फोन और डो तो फिर डो को हमने किल कर दिया तो फोन जो है वो स्टार्फ करने लगेगा बिकॉज उसकी मॉम नहीं है उसके साथ तो इस तरीके से जो पेनी है उनको भी गिल्टी फील होने लगा एंड ही वॉज लाइक कि नहीं क्योंकि अगर मैं लाइफ मेरी सेफ हुई है मैं एक और दिन देख पा रहा हूँ तो इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द डो तो इसीलिए डेफिनेटली हमारा फर्ज बनता है दैट वी शुड गो यू शुड गो इन फैक्ट एंड फाइंड द फोन एंड रेज इट अगर किसी की कोई मदद मिलती है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए अगर हम उसको नहीं लेके आएंगे घर तो दिस वुड बी अनग्रेटफुल ऑन आर पार्ट

क्वाइट फ्री तो जब जॉडी जो है उसको परमिशन मिल जाती है तो अपनी मोम से जाके बोलते हैं कि मेरे पापा ने मुझे बोल दिया है दर आई कैन गो एंड फाइंड दिस तो ऐसे डिस्कशन चल रहा होता है तो उस वक्त डॉक्टर विल्सन भी बैठे होते हैं सो so वो बोलते हैं कि बिल्कुल सही सोच है पेनी की भी और जॉडी की भी बिकॉज नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स फॉर फ्री यानी कि अगर आपकी किसी ने जान बचाई है आपने डो को यूज किया है तो वो फ्री में नहीं होगा आपको उसके बदले कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा एंड दैट इज वॉट यू कैन डू विद द बेबी डियर अगर आप उसके बेबी को अच्छे से रेस करो तो वो चीज़ क्या होगी

Therefore, he felt a moral responsibility to take care of the fawn, which may otherwise die out of starvation. Hearing this, Doc Wilson felt that Penny must pay back to the doe, whom he had killed for his own gain by bringing up her fawn, as nothing in the world comes quite free, so he must. Pay for it. तो इन आप बोल सकते हो कि इस लाइन से डॉक्टर विल्सन का यही कहना था कि बिकॉज़ डो ने लाइफ सेव की थी किसकी पैनी की तो पैनी को भी ये चीज फ्री फोकट में नहीं मिलेगी उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके बदले में तो वो क्या कर सकता है उस डो के बेबी को रेस कर सकता है उसका ध्यान रख सकता है ताकि वो कुछ पे कर पाए सो दिस इज हाउ वॉट ही मेंट फ्रॉम दीज लाइन डन ऑल राइट

इस तरीके से प्रूव होता है कि वो एक मॉम की तरह एक मदर की तरह उस फोन का ध्यान रख रहा था

ले नहीं उसको बड़े प्यार से नो करते हुए शील्ड करते हुए प्रोटेक्ट करते हुए फ्रॉम दीज थॉनी वाइन्स और प्रिकलिंग वाइन इस तरीके से वो लेकर आ रहे थे किसको फोन को He made मेड drink milk with his fingers dipped in milk. This is how a mother feeds her baby. बेबी very nicely took care of the fawn. And secondly, जैसे कि एक मॉम अपने बेटे को किसी भी तरीके से बेबी को दूध पिलाने की कोशिश करेंगी कि कुछ भी तरीका हो उसी तरीके से ये भी क्या कर रहे थे जॉडी कि उन्होंने देखा कि वो दूध नहीं पी रहा है तो उसको छोड़ नहीं दिया बल्कि अपने fingers को dip किया मिल्क में और उससे उसको पिलाने लगे दूध एंड दिस इज वॉट अ मदर कैन ओनली डू और यह सारी क्वालिटीज किस थी Jodi में तो इससे ये proof नहीं हो रहा कि जॉडी एक मदर टाइप फिगर है नहीं मतलब जॉडी एक प्योर सोल है ही हैज अ हार्ट

उनको क्या है वाइल्ड एनिमल्स घर में नहीं चाहिए होते है, करने के लिए तो जो है, तुमको करना पड़ेगा और वो तुम दे सकते हो किसको फोन को अब ऐसा वो क्यों रिएक्ट रही थी वॉश इज स्टोन हार्टेड और समथिंग नहीं क्योंकि वो उस वक्त उस जगह प्रेजेंट ही नहीं थी जहाँ पे पूरी सिचुएशन हुई जहां डो को किल किया गया उसके हस्बैंड को बचाया गया तो दिस इज हाउ वो फील ही नहीं कर पा रही थी बिकॉज जॉर्डी ने वो सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी थी तो दैट्स वाई ही कुड फील फॉर द फॉन एंड ही वॉज फीलिंग पिटी फॉर द फॉल बट बिकॉज जो मदर है शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर साइट वेन दिस थिंग सो शी कु नॉट फील इट क्या वो इमोशंस ही नहीं आ रहे थे उनमें इस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी

हिस्से का होगा वही तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जॉर्डीज़ मदर वाज नॉट प्रेजेंट एट द साइट वेयर द स्नेक हैड बिटन हर हस्बैंड एंड अ डो वाज किल्ड टू सेव हिज लाइफ शी वाज नॉट एबल टू सी द सिचुएशन ऑफ फॉन हु वाज नाउ ऑफन बिकॉज़ वो उस जगह पे नहीं थी उन्होंने देखा ही नहीं ये सब कुछ होते हुए उन्होंने फॉन को ही नहीं देखा कि वो कितना ज्यादा यू नो बुरा फील कर रहा होगा अपनी मॉम के बिना तो वो सारी चीजें वो नहीं सी देख पा रही थी या रियलाइज कर पा रही थी सो शी कुड नॉट शेयर द सेम फीलिंग्स एज़ जो एंड पेनी तो इस वजह से क्योंकि जो जॉडी सॉरी लिखना चाहिए जो नहीं है वो आई एम सो सॉरी जॉडी और पेनी जो है बिकॉज वो उस जगह पे प्रेजेंट थे तो वो दोनों वो सारी चीजें जो है देख पाए तो वो फील कर पा रहे थे बट बिकॉज ये थी नहीं वहां पे प्रेजेंट तो वो कैसे फील कर पाती इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि वो नहीं चाहती कि वहां पर कौन जान फोन को जो है घर लेकर आना चाहिए डन ऑल देखो अब ये जितनी भी चीजें हैं वो किसकी हैं? रिपोर्टेड स्पीच की तो एक प्रीवियस चैप्टर भी कोई था जिसमें मैंने आपको know ये सारी चीजें बताई थी कि

आप मेरे नाम लेके आप बताओगे कि थर्ड पर्सन ने बोला था किसी और को आप बताओगे उसे कहते हैं कि ये डायरेक्ट से आपने इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच क्लियर अब रिपोर्टेड स्पीच में बहुत से रूल्स होते हैं कुछ रूल्स होते हैं टेंस पे बेस्ड कुछ रूल्स होते हैं प्रोनाउंस पे बेस्ड देन कुछ रूल्स होते हैं आपके जैसे आप थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन ये सब यूज करते हो उसकी देन मॉडल पे होते हैं आपके ठीक है तो बहुत सारे रूल्स होते हैं जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं डिपेंडिंग आप क्या कर रहे हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करो तो आपको क्या चीजें जो है वो फॉलो करनी है ठीक है कुछ वर्ड्स भी होते हैं जिन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं जिनके भी चेंजेस होते हैं अब ये पूरा जो टॉपिक है दिस कुड नॉट बी लाइक कंटिन्यूड इन दिस कि आपको मैं पूरा बैठ के यहाँ पे समझाऊं बट येस मैं ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच और वीडियोस बना चुकी हूं तो आप सेपरेटली जाके देख सकते हो रूल्स फॉर देन रूल्स फॉर प्रोनाउंस मॉडल एडवर्ब आप जाके चेक कर सकते हो बड़ी इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच को क्लियर अब यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी कि कहाँ पे क्या चीज फॉलो हो रही है तो पहला जो सेंटेंस था विल यू बी बैक बिफोर डिनर तो पेनी ने जॉडी से क्वेश्चन पूछा है तो हम क्या लिखते हैं Asked, किस से पूछा? ठीक है? है, और जब भी questions की बात आती है, तो एक होते है yes, no questions, एक होते होते हैं हैं वाले यानी पे what, when, why ये हो, थोड़ा में बताना पड़ेगा बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं यस yes, नो no, जहां आप सिर्फ इतना बोलते हो या हाँ ना, जैसे विल यू बी बैक बिफोर डिनर वो बोलेगा यस yes, या फिर वो बोलेगा नो no, ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन में हम दैट नहीं यूज करते हम क्या यूज करते हैं इफ और वेदर जो आपको यूज करना हो ठीक है और डब्ल्यू एच वर्ड में हम उसी वर्ड को कॉपी करते हैं जैसे यहां बोला है विल यू बी बैक बिफोर डिनर दिस इज अस नो क्वेश्चन कोई डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे पेनी आज जॉडी सारे इन्वर्टेड कॉमाज हट जाएंगे और लक क्या जाएगा इफ यहां पर लिख सकते हो वेदो अब विल यू बी बैक पूछा है ना तो यू उससे पूछ रहे हैं तो किससे पूछा उन्होंने जॉडी से पूछा तो हम क्या करते हैं हम इसको चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली लाइक प्रोनाउंस के जो रूल होते हैं और यू बन जाता है ही और कहीं पे भी विल आ जाए वो हमेशा वुड में चेंज होता है हमेशा ठीक है यानी फ्यूचर टेंस में सिर्फ एक ही चेंज होता है विल जो है वो वुड में चेंज होता है दैट्स इट ठीक है तो ये हो जाएगा इफ ही वुड और फिर आगे वही है बी बैक बिफोर डिनर क्योंकि क्वेश्चन अब नहीं बचा है अब सीधे हमने बना दिया है उसको इनडायरेक्ट स्पीच तो हम क्वेश्चन मार्क भी हटा देते हैं दिस इज yes, no को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट है हाउ आर यू फीलिंग पा आस्ट जॉडी अब देखो यहाँ पे हाउ है डब्ल्यू एच वर्ड है ये ठीक है अब हाउ पूछेगा तो वो एक्सप्लेन करेगा ना कैसा लग रहा है हाँ या ना तो बोलेंगे नहीं तो यहां पे आप दैट की, तो की जगह क्या यूज करोगे इफ नहीं हम इफ या वेदर ना यूज करके हम सीधे सीधे हाउ को यूज करेंगे क्लियर अब किसने क्वेश्चन किया आज जॉडी किस से अपने फादर से जॉडी आज हिज फादर अपने पापा से पूछा उसने हाउ को यूज करोगे दैट की जगह देखो ठीक है डब्ल्यू एच वर्ड हाउ कौन के बारे में बात हो रही है अपने पापा के बारे में तो हाउ ही ठीक है हाउ आर यू बोला है तो ये क्या है ये है पास्ट ये सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम सीधे सीधे चेंज कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूस में तो आर यू फीलिंग है हो जाएगा वॉज ठीक है और क्योंकि यू है यू किसकी बात कर रहा है उसके फादर की तो ही वॉज Because question नहीं बचा तो question mark drop तो तो इसलिए कर दोगे. ये कुछ revisions थे जो कि कि अगर आप वीडियो देख लेते तो, तो हो हो का बहुत जाएगा कि किस तरीके से हम वुड इन सब चेंजेस करते हैं किसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में क्लियर तो ये तो कुछ क्वेश्चंस फॉर्म में थे अब आपको यहां पे क्या चीजें हैं जो अंडरलाइन या फिर हाईलाइट करके दी गई हैं कि हाँ पे विल है विल किस में चेंज हुआ ही वर्ड वैसे ही आर यू पा हो गया पा बन गया हिज फादर और आर यू हो गया ही क्लियर तो ये सारी चीजें आपको दी है कि यहाँ पे ये ये चीजें हैं जो चेंज हुई हैं अब इसी पे बेस्ड हमें कुछ चीजें दी हुई हैं लेट्स डिस्कस दैट सो हेर आर सम क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच पुट देम इन टू रिपोर्टेड स्पीच वही करना है डायरेक्ट से इन अब तक जितनी चीजें हम समझ चुके हैं ना बस उनको फॉलो करते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसे पहला दिया है पेनी से डू यू रियली वॉन्ट इट सन तो पेनी ने क्वेश्चन पूछा है

अब बोला है यू रियली वॉन्ड यहां चीज़ें भूल जाते हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है तो ये हो जाएगा यू यू किसके बारे में बात हो रही है उसके बेटे के बारे में तो ही ठीक है अब दिया हुआ है रियली really वॉन्टेड तो ये है इनडेफिनेट नॉर्मल प्रेजेंट और नॉर्मल जो भी टेंस होते हैं उनको हम चेंज करते हैं उसी में बट पास्ट में यानी कि प्रेज़ेंट जो है वो सीधे सीधे पास्ट में चेंज होता है अगर वो इनडेफिनेट प्रेजेंट है तो इनडेफिनेट पास्ट में जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट तो पास परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास परफेक्ट कंटिन्यूस ये है इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना अगर प्रेजेंट टेंस में तो ये नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा वी टू यानी वॉन्टेड नाउ इट यानी वॉन्टेड भी लिख सकते हो या फिर वॉन्टेड इट भी लिख सकते हो इट्स ऑल ओके ठीक है तो so, इस तरीके से हमने क्या किया उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया जब हम किसी और कोई स्टोरी सुना रहे डन सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पहला क्वेश्चन इसी तरीके से लेट जस्ट सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन

तो ये हो जाएगा ही थिंक क्योंकि नॉर्मल प्रेजेंट है बन जाएगा फोन इज स्टिल देयर का मतलब हो जाता है देयर ही अगर ये यहां पे हेयर होता तो फिर ये चेयर में चेंज हो जाता अब आगे यहां पे देखो इस दिया हुआ है तो ये भी क्या है प्रेजेंट तो ये किसमें चेंज हो जाएगा वॉस क्लियर तो क्या बन गया He said to Milvil बन जाएगा He asked या फिर Jordi asked एक ही बात है He भी लिख सकते हो Jordi भी लिख सकते हो It's all okay Jordi asked Milvil Do वाला cancel होके बन गया If या whether You बन जाएगा He think हो गया Thought the phone is का हो गया Was still there full stop Done बहुत easy है Indirect speech में change करना If you are aware about all these rules Done All right नेक्स्ट है ही विल यू हेल्प मी फाइंड हिम अब यहाँ पे सीधे सीधे पूछा है कि क्या मुझे ढूंढने मदद करोगे हा या डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है तो ये हो जाएगा ही आज मिल वील है तो ही ऑब्वियसली या जॉडी दोनों की चीज है जॉडी आज मिलवील या ही दैट यू बन जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा ही में सो इफ ही वुड हो जाएगा विल का क्योंकि हमेशा विल चेंज होता है वुड में वुड हेल्प मी बन जाएगा हिम क्योंकि यहां पर बात हो रही है किसकी जॉडी की वुड हेल्प हिम फाइंड हिम या फाइंड द फोन क्योंकि दो बार हिम हिम हो गया इसीलिए मे भी यहां पर आप फोन लिख सकते हो डन ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क ड्रॉप कर दोगे स्ट्रॉप कर दोगे नेक्स्ट इज हीट अपर दैट पॉड बिटन बाय द स्नेक पा गॉड बिटन सॉरी तो यहां पर क्या दिया हुआ है स्नेक

नेक्स्ट इज लुक एट टू ही बैकवर्ड वो थोड़ा पीछे साइड पे गिर गया इट इन इट्स हेड क्या टर्न किया उसने अपने हेड को अब ये दोनों ही वर्ब्स हैं राइट एक्शन हो रहा है टम्बल गिरना एक्शन है फिर टर्न करना एक्शन है तो दोनों ही वर्ब्स हैं नाउ द फर्स्ट सेंटेंस हैज एन इन ट्रांटिव वर्ब

तो क्या टर्न किया है तो बताना जरूरी है ना ठीक है ना तो ये हो जाएगा इट इट इट्स इट्स हेड तो इस तरीके से टर्न क्या किया वो बताना जरूरी है ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पर इसीलिए उसको कह देते हैं कि वो क्या है ट्रांजिटिव वर्ब तो इन ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट की जरूरत है वी कैन आस्क वॉट डिड इट टर्न कैसे पता करें ट्रांजिटिव इन ट्रांसिटिव है जब भी वर्ब दिखे तो आप पूछ सकते हो वॉट या हु वाला क्वेश्चन कि जैसे वॉट टम्बल तो पता है हीट एंड वर्ड यानी पहले हमको पता है ये घर पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट मेन है तो ये हो जाएगा इन वहीं पे हम बोले वॉट टर्न

इसका मतलब वो ट्रांसिटिव है वहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है

फोन ने अब किसने किया वो पता चल चुका है तो हमें और कुछ जानना ही नहीं तो हो जाएगा इंट्रांसिटिव नेक्स्ट है यू फाउंड हिम तो क्या फाइंड कर लिया नहीं पता चलेगा अगर हम हिम हटा दें यानी यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो वो हो गया ट्रांजिटिव नेक्स्ट ही पिक्ड इट अप ही पिक्ड क्या पिक किया वो बताना जरूरी है राइट तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है सिमिलरली

अब वो लटक रहे पैर अब कैसे भी लटके लटक रहे ना कंप्लीट सेंस बन रहा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं थी तो ये हो जाएगा इंट्रांसटिव या फिर एक काम कर सकते हो आप आगे के जो ऑब्जेक्ट उनको हटा के देखो क्या सेंटेंस में आपको सेंस मिल रहा है तो फिर उस हिसाब से भी आप ट्रांजिटिव इन को यूज कर सकते हो क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है वर्ड्स फ्रॉम द लेसन वर्किंग इन ग्रुप्स अरेंज देम इन द ऑर्डर इन अरेज दे वुड अपीयर इन द डिक्शनरी अब डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे होते हैं एल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं बॉल अगर मैं लिखूं बैट तो यहाँ पे पहला क्या आता है ट्वेंटी पोजिशन पे. पे तो यानी कि सबसे पहले L आ रहा है तो ये पहले आएगा डिक्शनरी में फिर ही आएगा क्लियर तो बहुत ईजी है हम इसी तरीके से ढूंढते भी हैं डिक्शनरी में वर्ड्स तो आपको उसी पर बेस जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उनको डिक्शनरी के फॉर्मेशन के हिसाब से अरेंज करना है ऑर्डर में राइट डाउन समियम फ्रेजर वर्क कनेक्टेड टू दीज य डिश्शनरी फॉर मोर इडियम एंड फ्रेजेस अब इनको यूज करते हुए बहुत सारी चीजें बनती है जैसे आउट लगा देते हैं इन लगा देते हैं सफेस में तो कहीं कोई फ्रेज बन जाता कहीं कोई ईडियम बन जाता है ठीक है थीके? तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल हमको यहाँ देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले तो वर्ड्स हैं क्लोज पार्टेड ड्रॉ क्लियरिंग मेक स्वीट वंडर लाइट पिक तो यहां अगर हम ध्यान से देखें सबसे पहले सी वाले वर्ड्स आएंगे राइट क्योंकि ए भी तो है नहीं अब सी में भी चूज करना है एल सेम है फिर है ई e, ओ तो ई e पहले आता है तो क्लियरिंग आ जाएगा पहले फिर आएगा क्लोज तो इस तरीके से हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिक्शनरी के फॉर्मेशन के हिसाब से वर्ड्स का अरेंजमेंट क्लियर सो दिस वुड बिकम क्लियरिंग क्लोज ड्रॉ लाइट मेक पार्टेड पिक स्क्रॉनी स्वीट वंडर बहुत ईजी है आप भी खुद भी अरेंज कर सकते हो क्लियर अब कुछ फ्रेजेस या फ्रेजेज हम देख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट है कुछ ले उटिंग so, होता है क्लियरिंग आउट क्लियरिंग द एयर क्लियरिंग ऑफ नेक्स्ट क्लोज होता है क्लोज शेप कॉल ड्रॉ ड्रॉ ब्लैक ड्रॉ लाइन ड्रॉ इंटरसेक्ट देन लाइट इज आई लाइट हाइड

लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक